अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ घूमने। अभी ये कहाँ जा रही हूँ ये आपको बताऊँ, ये सुबह से फ़ोन कर रही हूँ मैं, ये सो रहा है, यहाँ पर पानी आ रहा है, मेरा नाश्ता बन चुका है। मेरा नाश्ते में आज मैंने ढोकला बनाया है, देख लीजिए जी, नाश्ते में ढोकला बनाया है और बनकर तैयार है। यम यम ढोकला बनकर तैयार है, ये भी तैयार हो गई है। ये देखिए, सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब सुबह सुबह बड़ा दिक्कत होती है उठने में, यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि गाना बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता इसलिए। और ये भैया ड्राइवर भैया बैठे हैं, उनको झपकी आ रही थी तो यहाँ पर भैया ने गाड़ी रोक ली है। ये ढाबा पड़ता है यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए, मुझे तो चाय नाश्ता करना नहीं था, वो हमारे जो समधी थे भतीजी के ससुर उनको भैया को करना था, तो दोनों उतर गए। मैं और भतीजी तो यहाँ की चाय नहीं पीते, बाहर हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ खाया पिया नहीं, ओनली कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। चलिए वीडियो में बने रहिए आप। यहाँ पे खुरई में, और खुरई हमारे है ना ये सागर से मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में है, वो भोपाल से बहुत दूर है, भोपाल से 150 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर के दायरे में। देखिए ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, भतीजे का बेटा है, अरे ये भतीजे का बेटा है, ये देखो इसका नाम लोकेश है, और ये भी हमारे साथ आया है, इसको चाची ढूंढने के लिए आया है, हम लोग बहू ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पर, दोनों बुआ भतीजी। देखिए खेती हो रही है यहाँ पर, देखिए सब्जी और बढ़िया सब्जी लग रही है, हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए बेशरम के पेड़ बोलते ना, इंसान बेशरम होता है, यहाँ बेशरम के पेड़ खड़े हुए हैं। और ये देखो ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, वो लड़ाई भी कर रहे हैं, देखो बच्चों की आदत होती है आपस में खेलते लड़ते हैं, देख लीजिए भैया बड़े बदमाश बच्चे हैं, मतलब ये कस्बा टाइप का है, पहले रहा होगा कस्बा। देखिए अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर रास्ते में, तेज गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पर, ये ढाबा है, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको। कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, चाय माय तो हमने पी रही है क्योंकि है ना चाय हम लोग पीते नहीं है कहीं बाहर की, इसलिए। और सफ़र करते करते बहुत टाइम हो गया, हमको खाना भी नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग खाना खा के नहीं गए थे, सोचा था कि है ना कहीं खाना मिल जाएगा, ढाबा है बोल रहे हैं हमारे भैया खाना खाने के लिए, पर है ना ढाबे पे हमारा मन नहीं हो रहा खाने के लिए क्योंकि हम खुद शाकाहारी हैं, इसलिए भूखों मरेंगे। और हम लोगों को चाय भी पसंद नहीं है, तो आ जाइए आप भी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। साँप देंगे तो कौन क्या करेगा, ये सही बात है। पहनावा हम लोग घर आ चुके हैं, काफी टाइम हो गया हमको आए आए, मतलब 7:30 बजे हम घर आ गए थे, मेरी मम्मी का घर पड़ता है बीच में, तो हम लोग वहाँ रुक गए थे, मैंने सूट नहीं करा था कोई वहाँ पर। और काफ़ी लंबा सफ़र होता है ना तो थक जाते बहुत, हमारे भोपाल से तो वो 250 किलोमीटर था, 250 किलोमीटर बेचारे ड्राइवर लोग भी गाड़ी चला के ले जाते, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, ड्राइवर वैसे भी रात में भी नाइट में भी बेचारे चलाते तो बहुत दिक्कत होती है। अब जो ड्राइवर था हमारा बहुत तेज गाड़ी बेचारा, वो उधर से ला रहा था तो झपकी आ रही थी उसको, फिर रस्ते में मुँह धोया उसने, फिर थोड़ा गाड़ी अच्छे से चला पाया, पहले तो मुझे डर लग रहा था इसको झपकी आ रही है, पता नहीं हाईवे पे गाड़ी चलती तो थोड़ा है ना बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती तो डर ही लगता है। चलिए मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, अगर मेरे वीडियो से आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।